नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों, आजकल 30% पुरुषों में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या पाई जाती है। ये समस्या लगभग 25-30 साल के बाद में आना शुरू हो जाती है और अगर एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाओ तो सीधा ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसके कई सारे समाधान हैं, कई सारी औषधियाँ हैं। इसी एक औषधि के बारे में आज हम बात करेंगे। हर्बवेदा कंपनी ने प्रोस्टेट टोन नाम से एक औषधि बनाई है जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की यानी पुरुष ग्रंथि के जो बढ़ना होता है जिसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, यूरिनरी ट्रैक से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों में ये जो प्रोस्टेट टोन नाम की दवा है वो काफ़ी इफेक्टिव है। पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, इन सारी समस्याओं में ये काफ़ी कारगर है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है प्रोस्टेटोन 40 नाम से हर्बवेदा कंपनी की आयुर्वेदिक दवाई की शीशी जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। जानते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल किया गया है करंज बीज का। इसकी जो सर्विंग साइज है पर कैप्सूल की वह है 500 मिलीग्राम। इसमें करंज बीज लगभग 100 मिलीग्राम इस्तेमाल किए गए हैं। करंज बीज की अगर हम बात करें तो करंज पचने में चरपरी होती है, नेत्र हितकारी, गर्म, कड़वी, कसेली तथा उदारवत यानी कि वात योनि रोग में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। ये वात गुल्म में, अर्श में, व्रण में और ये जो है कप दोष, विष, कुष्ठ, पित्त, कृमि, चर्म रोग, उदर रोग, प्रमेह आदि को दूर करने वाली होती है। इसमें जो दूसरा तत्व इस्तेमाल किया गया है वो है गोक्षुरा। गोक्षुरा भी लगभग 100 मिलीग्राम इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये गोक्षुरा जो है वह शीतल होता है, मधुर, पुष्ट, अर्श और व्रण नाशक होता है। यह शीत वीर्य होता है, मूत्र विरेचक होता है, बस्ती शोधक होता है, अग्नि दीपक यानी कि पाचन को बढ़ाने वाला होता है, वृष्य, मूत्र कच्छ और सोजक होता है। अश्मरी, वृक्क विकार, प्रमेह, नपुंसकता, वीरक्षीणता, इन सब में ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसमें जो तीसरा तत्व इस्तेमाल किया गया है वह है दशमूल। ये भी 100 मिलीग्राम इस्तेमाल किया गया है। दशमूल अरुचि, शूल, श्वास, खांसी, भगंदर, वात, इन व्याधियों में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। क्षय, वमन, पांडुरोग, कुष्ठ, प्रमेह, मंदाग्नि समाप्त कर देता है। यह उदर रोग में, पथरी की समस्या में भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसमें जो चौथा तत्व इस्तेमाल किया गया है वह है पुनर्नवा। पुनर्नवा 50 मिलीग्राम इसमें इस्तेमाल किया गया है। यह त्रिदोष को बैलेंस करता है। पुनर्नवा इन्फ्लेमेशन के रिड्यूस करता है, कम करता है। इसमें जो पाँचवा तत्व इस्तेमाल किया गया है वह है उशीर। ये जो है 50 मिलीग्राम इस्तेमाल किया गया है। यह जो है खून को साफ करने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। पाचन से संबंधित समस्याओं में भी काफ़ी यूजफुल है, ये काफ़ी उपयोगी है। इसमें जो छठा तत्व इस्तेमाल किया गया है वह है वरुण की छाल। यह भी 50 मिलीग्राम है। वरुण कटु होता है, कषाय, मधुर, तिक्त, उष्ण, लघु तथा कपवात नाशक होता है। पित्त को बढ़ाने वाला होता है, पित्त दीपन होता है, ग्राही, बेहदी, स्निग्ध होता है। यह कृमि, रक्त शोधक, शोथ, मूत्रघात, मूत्र कच्छ, वात रक्त, मेद रोग में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसमें जो सातवां तत्व इस्तेमाल किया गया है वो है चौप चीनी 50 मिलीग्राम। यह स्वाद में कड़वी होती है, प्रकृति इसकी गर्म होती है, मल मूत्र साफ करती है। यह सिर दर्द और योनि रोग में भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। जोड़ों के दर्द में और चर्म रोग में, गैस की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे जो है वो आयुर्वेदिक तत्व इस्तेमाल करके ये दवाई बनी है। इसके अगर डोज की हम बात करेंगे तो इसकी 1 से 2 गोलियां आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी है। इसके अगर MRP की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे तो 200 रुपये की ये शीशी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 3 साल तक आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 60 कैप्सूल की शीशी है जो 200 रुपये में आती है, लगभग 1 महीने की दवा है। और इस दवा के और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है या इनकी जो वेबसाइट है www.herbveda.com उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी प्रोस्टेट टोन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।